तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप जो दो आईडी वाले बंदे हैं मिलते हैं उनके साथ आप कैसे खेल सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ये दो जो बंदे मेरे राइट साइड में हैं, ये दो बंदे एक साथ मिलकर खेल रहे हैं, मतलब एक ही टेबल में खेल रहे हैं। तो आप भी ऐसे जब बंदे मिले तो अपना पॉकेट मनी भी निकाल सकते हैं। मैं ऐसे ही बंदों के साथ खेलता हूँ और मेरा पॉकेट मनी इन्हीं बंदों से चल जाता है। हालांकि ये लोग पहले मेरे साथ काफ़ी स्कैम कर चुके हैं, तो फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि क्या करना है। तो फिलहाल देखिए, मैं 5 रुपये बोट खेल रहा हूँ और मेरे पास 2000 रुपये है, तो मैं पोर्ट लिमिट पहुँचा दूंगा। और इस वीडियो में भाई बड़ा वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में कम से कम 2 बार उनको लूटूंगा, उसके बाद वीडियो को बंद कर दूंगा। तो देखिए, फाइनली इंतज़ार करते हैं अच्छे पत्ते का। पत्ते तो थे, लेकिन उसके पास भी एक बंदे के पास पत्ते थे, तो इसलिए सोच रहा था वह कि मैं जीत रहा हूँ, इसलिए एक बंदा पैक हो गया। नहीं तो पत्ते नहीं होते तो दोनों बंदे चलते। तो देखिए, अभी फ़िलहाल में यह बंदे चल चुके हैं और मेरे को देखिए 2 बादशाह आ गया है। मेरे को लग रहा है कि इन दोनों के पास पत्ते नहीं हैं। देखते हैं, मेरे साथ भी स्कैम हो सकता है, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कैमर भी चालाक हो जाते हैं, उनके पास भी अब बड़े पत्ते होते हैं तब पर भी ऐसे ही चलते हैं। तो फिलहाल मैं देखिए अब साइड शो ले रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार दो बार तीन बार यदि साइड शो ले तो कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता है। तीसरे बार में ऑटोमेटिक जो है साइड शो ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए यहाँ पर साइड शो ऑटोमेटिक ले लिया और उधर से 320 का चाल चल दिया। मैं शो जरूर कराऊँगा, देख सकते हैं आप उनके उसके पास पत्ते हैं। उसके पास बेगम हाई कार्ड है, एक के पास अट्ठा हाई कार्ड है। तो फाइनली देखिए अच्छे खासे मेरे को विनिंग हो गई है अभी इस बार में। तो देखते हैं, एक आध बार और मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए कि यदि एक बंदे को लूट ले रहे हैं तो आप टेबल बदल लीजिए, क्योंकि काफ़ी सतर्क हो जाते हैं। मैं भी आऊँगा अब आईडी बदल करके, मतलब नाम और जो लोगो है चेंज करके, क्योंकि वो बंदे पहचानते हैं, वो सोचते हैं कि कम पैसे हैं उनको लूट लेंगे। फिलहाल में आप इतने पैसे रखिए कि पोर्ट लिमिट पहुंचा दें, और पोर्ट लिमिट ना भी पहुंचाए तो कम से कम, जैसे कि मैंने साइड शो लिया तो 5 रुपये के बोट में कम से कम तो देखिए भाई 500-700 रुपये तो रहना चाहिए, तभी खेलने का मज़ा आएगा। तो आप इस तरीके से खेल सकते हैं। काफ़ी बंदे ये भी बोलते हैं कि भाई मैं 3 पत्ती में लॉस हो गए, हार रहा हूँ। मेरे दोस्त भी मेरे को बोल रहा था कि मैं हार जा रहा हूँ, तो मैंने देखा तो भाई वो 3 पत्ती जैसे दिखने वाला वो दूसरा ऐप में गेम खेल रहा है। मैंने तुरंत उसको डिलीट किया और असली गेम का लिंक उसको दिया, तो जाकर उसने डाउनलोड किया और आईडी बनाई। अब वो अच्छा खासा वो भी विन करता है और काफ़ी खुश है। तो यह भी आप ध्यान दीजिए कि जो ओरिजिनल गेम है उसी को खेलिए। यदि आपको कोई संदेह है तो मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए यदि बार बार आप हारते हैं तो। देखिए फिर इन्होंने मेरे साथ स्कैम, इनके साथ स्कैम मैंने कर दिया है, स्कैमर के साथ स्कैम। लेकिन इस बार 2 बार में ही साइड से एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि इनको पता था कि भाई एक बार मैं लूट चुका हूँ। तो फिलहाल देखिए, हम इनको 2 बार लूट लिए हैं, उसके बाद अब दूसरे टीम में हम चलेंगे। तो आप समझ सकते हैं, आपको थोड़ा समझाने का मैंने प्रयास किया है कि आप कैसे 3 पत्ती खेलते हैं, तो किस तरीके से खेलिए। यदि आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो भाई आप बड़े अमाउंट में खेल सकते हैं। जितना मतलब आप ये ध्यान रखिए कि पोर्ट लिमिट आप पहुंचा सकें, जैसे कि इसमें 5 रुपये के बोर्ड में 5000 पोर्ट लिमिट है, तो मेरा 2000 है और 3 बंदे हैं, 2 3 6000 हो जाएगा, तो मेरा पोर्ट लिमिट आसानी से पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप भी गेम खेलिए। यदि 10 रुपये का बोर्ड खेलते हैं तो कम से कम 4000 रुपये रखिए, 20 रुपये बोर्ड खेलते हैं तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रखिए, 50 रुपये का बोर्ड खेलते हैं तो मतलब किसी के हिसाब से कि आप पोर्ट लिमिट पहुँचा दें। नीचे लिंक है, आप डाउनलोड करके आसानी से खेलिए, अपने रिस्क पर खेलिए। मिलेंगे कल।